करवा चौथ की मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई है, बैक सूख चुका है, अब फ्रंट पे लगाएंगे। और ये रही प्रतीक्षा, राइट? प्रतीक्षा का फेसबुक पेज का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत अच्छी मेहंदी भी लगा रही है और थोड़ी सी वो इंडिया की करवा चौथ वाली फीलिंग आ रही है। फ्रेंड भी आई हुई है, अमन भी आई हुई है, उसके भी हाथ के एक साइड पे लग गई है। तो वो जैसे इंडिया में सारे सखी सहेली मिलके मेहंदी लगवाते थे, पूजा करते थे, अच्छा लगता है ना वो। तो सोच सोच के हम फीलिंग ले रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो चलो पूरा हो जाता है तो फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। Thoughts are spinning round in my head. I'll pause, I'll sit down, 'cause I'm almost there. Good morning, दोस्तों, आज है करवा चौथ की सुबह और मेहंदी का रंग देखो बहुत अच्छा है ना। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल तो काफ़ी लेट हो गया था मेहंदी लगाते लगाते, फिर मैंने बस पानी नहीं लगाया था और वो ड्राई वाला निकाल के सरसों का तेल लगा लिया था, तो कलर तो आ ही जाता है। वैसे तो यहाँ पे सनराइज बहुत लेट होती है, बट वही है ना कि कितना लेट खाओगे। तो मैं अराउंड 5:30 उठ गई थी और एवरी करवा चौथ में मॉर्निंग में मेरा सेम मेन्यू होता है, गोभी के पराठे, अनार। अनार खाने से बोलते हैं कि प्यास नहीं लगती, तो मैं खा लेती हूँ। और इस टाइम पे पता नहीं कॉस्को में मिलता भी है, शायद सीजन होता होगा। और भर के एक कप चाय, तो पराठे बन चुके हैं, चाय बस बन रही है, उसके बाद मैं खा लूँगी। और फिर जब खा लेती हूँ ना, जब सूर्योदय का टाइम होता है ना, उससे 10-15 मिनट पहले मैं अच्छे से पानी पी लेती हूँ। वैसे एक बारी में कितना ही पानी पिया जाता है, पर ठीक है, पी लेती हूँ। कौन कौन करवा चौथ सेलिब्रेट करता है मुझे ज़रूर बताना, और आप लोग मॉर्निंग में क्या खाते हो ये भी बताना। और मुझे याद आया कि ये वाला कुर्ता ना मैं मोस्टली करवा चौथ की मॉर्निंग में पहनती हूँ, क्योंकि एक तो रेड रेड अच्छा लगता है और कॉटन का है तो कंफर्टेबल रहता है। इतनी अच्छी धूप है ना, ये देखो इतना अच्छा लग रहा है कि करवा चौथ वाले दिन मॉर्निंग में इतनी अच्छी धूप है। होपफुली इवनिंग में भी वेदर अच्छा रहे और चंदा मामा दिख जाए। मेरे बिखरे बिखरे बाल ये बता रहे हैं कि मैं मस्त अभी सोई हूँ। 8 बजे स्विमिंग क्लास होता है, ये शकानुज लेके चलेगा और मैं और केयूष कोजी कोजी होके न्यू बेड पे सो गए। इतनी अच्छी नींद आई है ना, 1.5 घंटे की, बस मजा आ गया। और मैं उठी, सुबह फॉग था और अभी उठी तो धूप है इतनी अच्छी। और अनुज लोग स्विमिंग क्लास से ही डायरेक्ट कॉस्को चले गए थे कि मॉर्निंग में ग्रोसरीज कर लेते हैं ना, खाली रहता है तो ठीक हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो अभी बस वो वहाँ से निकल गए। मैं सोच रही हूँ पराठे बना के रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया और स्विमिंग के बाद ईशा को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। और केयूष यहाँ पे खटर खुटर कर रहा है लेगो के साथ, और आज केयूष का हेयर कट है। काफी टाइम बाद, आई थिंक 1-1.5 साल बाद वो बाहर जाके हेयर कट कराएगा, तो थोड़ा सा ऊंयाई कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। धूप के मजे लिए जा रहे हैं, लस्सी और पराठे खाओ खाओ, इंजॉय करो। आज तो थोड़ा स्किन केयर करना बनता है, काफी टाइम हो गया है, तो मैंने इसमें चंदन डाला है, बेसन और थोड़ा सा दूध। स्किन भी सोच रहा होगा क्या बात है, आज तो मेरी किस्मत खुल गई, मेरी सेवा हो रही है, यहाँ पे आने के बाद कुछ भी नहीं हुआ है। ये है आज का मेरा करवा चौथ का आउटफिट। आज मैंने सोचा सूट ही पहनती हूँ, और पूरा रेड रेड है तो करवा चौथ के लिए परफेक्ट है, पूरा सीक्वेंस का और जरी का काम है, गले पे भी है और हाथ पे भी है और नीचे पूरे सूट में बना हुआ है। लोअर में पैंट स्टाइल है और उसमें भी नीचे इस तरह का वर्क किया हुआ। चलो भाई, समय काटने के लिए सजना धजना स्टार्ट। हेयर को थोड़ा सा मैंने स्ट्रेट कर लिया था और ये ओले का मॉइस्चराइजर लगा लिया है। और मुझे फाउंडेशन लगाना उतना अच्छा नहीं लगता, या फिर ऐसे बोल सकते हो मुझे ढंग से मिक्स नहीं होता मुझसे, इसलिए मैं बीबी क्रीम ही यूज करती हूँ, वो भी बहुत थोड़ा सा, की चलो थोड़ा तो लगे कि मेकअप किया है। क्योंकि मुझे ना, मतलब लोगों को देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेकअप करते हैं ना, मतलब ये भी एक आर्ट ही है, बट मेरे से नहीं होता है, मेरे में इतना पेशेंस भी नहीं है, ये भी बोल सकते हो आप। पर ये ना, अपने अपने चॉइसेस होते हैं, जितने खुश होके पेशेंस लेके मैं घर को सजाती हूँ, उतने पेशेंस लेके मैं अपने आप को नहीं सजा सकती। चलो आज थोड़ा सा आई शेडो भी लगा लिया जाए, टाइम काटना है टाइम। मैं तो ऐसी फिंगर से लगा लेती हूँ। चलो भाई, ये भी हो गया,
आईलाइनर लगा लिया जाए, ये जो ब्रश स्टाइल आईलाइनर आता है ना मेबेलिन का है ये, इसके कारण बहुत इजी हो जाता है लगाना। पेन स्टाइल है और ब्रश है तो बहुत अच्छे से बहुत इजीली लग जाता है। हाँ जी डैडी बाहर है वर्कशॉप में। ये वाला झुमका मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वैसे तो हैवी है बट चलो थोड़ी देर के लिए। ये वाली लाल लिपस्टिक मैं हमेशा बस करवा चौथ के दिन ही निकालती हूँ, बहुत ज्यादा डार्क है। तो ये है रेवलॉन का मैट 017। वैसे ना मेरे पास एक और ऑप्शन है झुमके का, एक ये वाला भी है, मैं सोच रही हूँ कौन सा पहनू। ये वाला भी अच्छा लग रहा है बट इसमें ना मल्टी कलर है तो शायद ये ज्यादा मैच करेगा, ये या फिर ये, आई थिंक ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, भरा भरा लग रहा है। अब आती है बिंदी की बारी। अभी तो मेरे नखरे थोड़े कम हुए हैं, शादी से पहले अगर किसी फंक्शन में जाना होता था ना मम्मी बोलती थी थोड़ा सा तैयार हो जाओ थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लो, मैं इतने नाटक मतलब लगा लेती थी और निकलने से पहले ना मेरे दिमाग में घूमता रहता था लिपस्टिक ना डार्क होगी है, बिंदी ना ऐसी है, फिर मैं जस्ट निकलने से पहले वॉशरूम में जाके फिर लिपस्टिक हल्का करके आ जाती थी, बिंदी बिल्कुल छोटी ब्लैक वाली लगाती थी मैं जो हार्डली किसी को दिखती भी नहीं थी, मेरे घर में सब बोलते ये कैसी बिंदी है जो किसी को दिखती ही नहीं है, मैं ऐसी लगाती हूँ। चूड़ियां अच्छी लगती है मुझे पहनना और ये रेड वाली चूड़ियां हैं पर इसके साथ ना मैं ये मल्टी कलर वाली भी मिक्स कर रही हूँ, मुझे ये खन खन आवाज बड़ी अच्छी लगती है। काम करो तो और अच्छा लगता है, रोटी बेलो खन 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 खन। चलो भाई हो गया, और कुछ, और कुछ करना है, दुपट्टा लेना है। यस ये रहा दुपट्टा, इसमें भी ना पूरा काम किया हुआ है, दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, किसी सिंपल व्हाइट सूट के साथ डाल लो बड़ा अच्छा लगेगा। चलो भाई हो गई दुल्हनिया तैयार। चलो पति को दिखा के आते हैं। पहले घर की लाइट जला दूं, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, लाइट जला देते हैं। यस अब अच्छा लग रहा है ना, मैं भी अच्छी लग रही हूँ ना। आप लोगों को सूट का फुल लुक दिखा देती हूँ, ये कुर्ता इतना लंबा है ना लोअर तो दिखता ही नहीं है और दुपट्टा काफी बड़ा है, डिफरेंट स्टाइल से ले सकते हैं। करवा चौथ वाले दिन मंदिर का उद्घाटन मतलब मंदिर बनने का उद्घाटन हो गया है और जितना भी बना है उसी में बहुत अच्छा लग रहा है, आ रहा है धीरे धीरे लुक आ रहा है। तो ये वाली चीज हम आज होम डिपो से लेके आए हैं, तो यहाँ पे ये सेम कट करके यहाँ पे भी जोड़ोगे है ना? क्या जोड़ना है? जोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो ये खाली नहीं लगेगा, फिर तो प्लाई लानी पड़ेगी इतनी तो। ये शाकेश भी रेडी हो गए भाई, कपड़े हैं इस बारी हमारे पास तो पहनने चाहिए ना, तभी तो फेस्टिवल का मजा है ना। केयूष तो अलग ही लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये केयूष है, ये केयूष नहीं है, ये कोई और है। और पॉकेट्स ब्लू कलर इसका फेवरेट है ना, और हम सब बिंदी लगाते हैं तो ये भी बिंदी लगा लेता है। दिखाओ इधर कौन से कलर का बिंदी लगाया, ब्राउन कलर गोल्ड, और ये शाने पिंक कलर की बिंदी लगा ली, पिंक नहीं रेडिश ही है, रेड रेड ही पता चल रहा है, दूसरे कलर पता भी नहीं चलते। ये वीबा वाले सूट्स ना बहुत अच्छे हैं, ये था तो ऐसे ही सूट पहनने थे ना हमेशा से। हाँ बहुत अच्छा है। अब इसके ऊपर अब देखो ये एक स्टाइल हो गया, ऊपर से जो जैकेट है वो पहन लोगे तो वो डिफरेंट स्टाइल हो जाएगा, लगेगा कुछ और ही पहना है ना। और मेरे पास ना इस कलर का दुपट्टा भी है यशा, मैं दे दूंगी आपको, जब नेक्स्ट टाइम पहनोगे तब दूंगी। Why? नहीं आज नहीं, आज जरूरत नहीं है। ओह बाबू मशाई, बाबू मशाई बड़े बाबू मशाई को भी बोलो कि थोड़ा तैयार हो जाए, आज एकदम फुल कॉन्सेंट्रेशन से लगे हुए हैं मंदिर बनाने। मेरी पूजा हो गई और यहाँ पे फैनिया बन रही है। यस फैनी हमेशा यही बनाते हैं,
वैसे भी पता है खीर मैं अच्छा बनाती हूँ, बट जो सेवई होता है ना वो हमेशा यही बनाते हैं, इन्हीं का अच्छा बनता है। मैं बनाती हूँ वो पूरा गल जाता है, दूध कम हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है। तो बोलो कैसी लग रही हूँ, फिर सब पूछते हैं अनुज जी का रिएक्शन नहीं बताया। अनुज जी का रिएक्शन बताने वाला होता नहीं है क्योंकि कुछ होता ही नहीं है अनुज जी का रिएक्शन। अच्छे अच्छे लग रहे हैं, बस हो गया, इतना ही होता है, इतने में इतना ही होता है। क्या बोलते हैं पंजाबी में, क्या बोलते हैं जब बीवी अच्छी लगती है या फिर कोई लड़की अच्छी लगती है, बीवी अच्छी। बड़े सोने लग रहे हो। हाँ ऐसे बोलो फिर मजा आए थोड़ा। फिर इतना सजने सबरने का, इतना लिपस्टिक चपस्टिक लगाने का, वही तो फायदा हो। मेरे लिए तो ऐसे ही अच्छे, बिना लिपस्टिक के। कि मैं भी वैसी हूँ और ये भी वैसे ही है। और मैं जब भी ऐसे बोलती हूँ ना कि अनुज को भी पसंद नहीं होता मेकअप करना, तो सब यही बोलते हैं कि सही है ना, मेकअप के पैसे बचते हैं। बात तो सही है, वैसे मेकअप पे बहुत पैसे बचाती हूँ। बोली लग तो रहा है कि आज चंदा मामा दिख जाएंगे क्योंकि पूरे दिन अच्छा वेदर रहा है, धूप थी और क्लाउडी भी नहीं है। दिन बीत गया, नेल पेंट लगाने का टाइम नहीं। मी टू, आई वांट न्यू पेंट। अच्छा, मुझे लुक गुड। ओह आई लव दिस कलर, इट्स लाइक ये तो ये बिल्कुल आपके ड्रेस से मैच कर रहा है। या व्हाट्स दैट टीडी। मेरी फ्रेंड का फोन आया, चांद निकल गया, उन्होंने देख लिया है। अभी जाएंगे, बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से तो नहीं दिख रहा, विंडो से तो मैंने ट्राई किया देखने का, यहाँ से नहीं दिख रहा है, बाहर जाके देखते हैं। चलो चलो चंदा मामा आ गए। बाद ऐसा हुआ है कि इतने अच्छे से चांद दिख रहा है। स्पेशल ईयर और पूरा क्लियर। तो भाई खाना खिलाओ जल्दी, खाना खिलाओ। हमारा काम है बना दिया, प्लेट में डालो, हमें भी खिलाओ। बड़े आए, एक दिन तो सेवा किया करो। नहीं नहीं किया किया, आलू जीरा बना दिया है और सेवैया बना दिए, पिंडी बना दिए। सेवा 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 करो, मेवा मिलेगा। सब अच्छा अच्छा होगा, गुड गुड होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ ऐसा ही रहा हमारा करवा चौथ। बहुत अच्छा रहा क्योंकि चंदा मामा दिख गए, हर बारी चंदा मामा नहीं दिखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, वेरी रेयर। तो चलिए उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, आपने भी अपना करवा चौथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। पिक्चर जरूर शेयर करना और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ फेस्टिवल वाली मेमोरीज। यहाँ तो टीवी वाली मेमोरीज चल रही है भाई, डांस इंडिया डांस नहीं, डांस इंडिया डांस ही है ना। नो क्या है, डांस प्लस। चलो बाय बाय। Fell in love with your colors, they kind of tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are and the way we lose it.